तो यहाँ पर अगर आप पोको M2 डिवाइस के यूज़र हो तो आज का ये वाला वीडियो आप पोको M2 यूज़र्स के लिए भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि फाइनली एंड फाइनली इंडिया पे पोको M2 डिवाइस के लिए MIUI 13 के साथ भाई एंड्रॉयड 12 का अपडेट या रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है Xiaomi की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन से वर्जन के दौरान MIUI 13 के साथ एंड्रॉयड 12 का अपडेट इंडिया पे पोको M2 डिवाइस को देखने को मिला है, अपडेट का साइज़ क्या है एंड इस MIUI 13 एंड्रॉयड 12 अपडेट के बाद पोको M2 डिवाइस के अंदर आपको Xiaomi की तरफ से क्या क्या न्यू अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलता है डिवाइस के अंदर। उससे पहले भाई चैनल पे नहीं आ रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, और आज की वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप करते हुए लास्ट तक देखना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका भाई के एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप पोको M2 डिवाइस को यूज़ करते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप पे अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो भाई इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो भाई प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, क्योंकि देखो पोको M2 डिवाइस के अंदर ये जो अपडेट इंडिया पे रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है इसका ऑफिशियल डाउनलोड लिंक्स यानी सारे ऑफिशियल डाउनलोड लिंक्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा, तो यार ज्वाइन कर लेना। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंडिया पे पोको M2 डिवाइस के अंदर MIUI 13 के साथ एंड्रॉयड 12 का जो अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है, अपडेट का वर्जन है MIUI 13.0.2.0। जी हाँ, MIUI 13.0.2.0 वर्जन के दौरान MIUI 13 के साथ एंड्रॉयड 12 का अपडेट फाइनली एंड फाइनली इंडिया पे रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद। तो अगर आपके पास भी पोको का M2 डिवाइस है इंडियन वेरिएंट, तो सबसे पहले आपकी डिवाइस की सेटिंग्स पे जाओ, उसके बाद आप अबाउट फोन में जाओ, उसके बाद सिस्टम अपडेटर सेक्शन पे जाओ के देखो ये जो MIUI 13.0.2.0 एंड्रॉयड 12 का अपडेट है पोको M2 डिवाइस के लिए आपके डिवाइस के अंदर यह अपडेट आपको देखने को मिला है या फिर आपके पोको M2 डिवाइस के अंदर यह अपडेट आपको देखने को नहीं मिला है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ। आपके डिवाइस के अंदर ये MIUI 13 के साथ एंड्रॉयड 12 अपडेट अगर आपको देखने को मिल गया है तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, और ये अपडेट आपके पोको M2 डिवाइस के अंदर अगर आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है तो इस बार वीडियो को लास्ट तक देखते रहो कैसे आपको अपडेट मिलेगा, कैसे आपके पोको M2 डिवाइस का अभी कभी अपडेट करेंगे वो सब कुछ मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो यार बिना एक सेकंड स्किप करते हुए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। तो इस अपडेट की साइज़ की बात करें भाई तो 2.6 GB, जी हाँ, क्योंकि इस अपडेट के बाद आपको MIUI 13 के साथ एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट देखने को मिलता है, इसलिए अपडेट का साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा है। 2.6 GB के दौरान एक बड़ा साइज़ का अपडेट देखने को मिला है। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं MIUI 13.0.2.0 एंड्रॉयड 12 अपडेट के बाद यानी MIUI 13 एंड्रॉयड 12 अपडेट के बाद आपके पोको M2 डिवाइस के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिला है Xiaomi की तरफ से। तो भाई सिस्टम पे सबसे पहले स्टेबल MIUI बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12, इस अपडेट के बाद आपके डिवाइस के अंदर आपको एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेबल MIUI बेस्ड ऑन भाई एंड्रॉयड 12। उसके बाद अपडेटेड एंड्रॉयड 12 तो जुलाई 2022, तो इस अपडेट के बाद आपके पोको M2 डिवाइस के अंदर आपको जुलाई महीने का यानी जुलाई 2022 का लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 देखने को मिलता है, जो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हो जाता है। उसके बाद देखो इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, इस अपडेट के बाद आपके पोको M2 डिवाइस का सिस्टम का सिक्योरिटी को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव एंड इंक्रीज कर दिया गया है, जो एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हो जाता है पोको M2 यूजर्स के लिए। उसके बाद यहाँ पर सिस्टम के अंदर आपको एक और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर देखने को मिला है जो है ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस। जी हाँ, इस MIUI 13.0.2.0 एंड्रॉयड 12 अपडेट के बाद पोको M2 डिवाइस का जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा यार ऑप्टिमाइज कर दिया गया है, यानी इस अपडेट को करने के बाद आपका पोको M2 डिवाइस पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा स्मूथ एंड और भी ज़्यादा अच्छा चलने वाला है, यानी आपका डिवाइस का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है एंड ओवरऑल स्मूथनेस है उसके अंदर ध्यान दिया गया है, आपका डिवाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलने वाला है इस MIUI 13 एंड्रॉयड 12 अपडेट के बाद। और यहाँ पर मोर फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट की बात करें यानी और भी फीचर्स की बात करें भाई, तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन पे माइंड मैप नोट्स पे आपको थोड़ा बहुत फ्यूचर मिलता है, और यहाँ पर एनहेंस एसेसिबिलिटी सपोर्ट फॉर फोन क्लॉक एंड वेदर, तो एसेसिबिलिटी सपोर्ट को फोन क्लॉक एंड वेदर के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया गया है। उसके बाद देखो बैटरी पे आपको फीचर देखने को मिला है, यानी बैटरी परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिला है, यानी देखो बहुत सारे लोगों को बैटरी ड्रेन देखने को मिलता था पोको M2 डिवाइस के अंदर, तो इस MIUI 13 एंड्रॉयड 12 अपडेट के बाद
पोको एम टू डिवाइस के जो बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर दिया गया है। यानी इस अपडेट को करने के बाद आपको बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा आपके पोको एम टू डिवाइस के अंदर। यानी पहले के मुकाबले आपको अच्छा खासा बैटरी परफॉर्मेंस मिलेगा, आपका जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छा चलने वाला है इस MIUI 13 एंड्रॉयड 12 अपडेट को करने के बाद। उसके बाद लास्ट फीचर की बात करते हो, देखो बहुत सारे लोग पोको एम डिवाइस के अंदर थोड़ा बहुत गेम खेलते हैं, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी थोड़ा बहुत गेम खेलते हैं, तो इस अपडेट के बाद आपके गेमिंग परफॉर्मेंस को भी काफ़ी ज़्यादा यार इम्प्रूव कर दिया गया है Xiaomi की तरफ से। यानी पोको एम टू डिवाइस के अंदर इस MIUI 13.0.2.0 MIUI 13 एंड्रॉयड 12 अपडेट के बाद गेमिंग परफॉर्मेंस को भी काफ़ी ज़्यादा यार इम्प्रूव कर दिया गया है। यानी गेम खेलने में आपको काफ़ी ज़्यादा यार मज़ा आने वाला है इस अपडेट को करने के बाद, तो आपको गेम खेलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस अपडेट के बाद। आपको एकदम स्टेबल फ्रेम रेट के साथ अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आपके पोको एम टू डिवाइस के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात हो जाता है पोको एम टू यूजर्स के लिए। यहाँ पर देखो इस MIUI 13 एंड्रॉयड 12 अपडेट के बाद पोको एम टू डिवाइस के अंदर जो जो आपको फीचर्स देखने को मिलता है, यानी जो जो आपको ऑल सारे फीचर्स मिला है वो सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी आपको एक्स्ट्रा फीचर, जैसा कि कोई महत्वपूर्ण फीचर आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीचर मिला इस अपडेट के बाद, जो फीचर मैंने आपको नहीं बताया इस अपडेट के दौरान या फिर इस वीडियो के दौरान, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस अपडेट के बाद आपको MIUI 13 का लेटेस्ट कंट्रोल सेंटर देखने को मिला है आपके पोको एम टू डिवाइस के अंदर या फिर आपको देखने को नहीं मिला है, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं ये जो MIUI 13.0.2.0 MIUI 13 के साथ एंड्रॉयड 12 अपडेट है पोको एम टू डिवाइस यूजर्स के लिए। आपके डिवाइस के अंदर यह अपडेट अगर आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है या फिर आपके पोको एम टू डिवाइस के अंदर ये अपडेट आके चला गया है, तो भाई आप क्या करेंगे? तो दोस्तों देखो, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप अभी के अभी अपडेट करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको OTA लिंक मिल जाएगा। जी हाँ, ये एंड्रॉयड 12 का अपडेट है, इसका OTA फाइल नहीं है, तो आपको रिकवरी रॉम का लिंक मिल जाएगा। मैंने गलती से बोल दिया कि आपको OTA लिंक मिल जाएगा, तो इसके लिए माफ़ कर देना। आपको रिकवरी रॉम का लिंक मिल जाएगा, तो सिंपल से आपको फुल रॉम को डाउनलोड करना है एंड चूज़ अपडेट पैकेज के थ्रू आपके पोको एम टू डिवाइस को आपको मैनुअली अपडेट कर लेना है अगर आप अभी कभी अपडेट करना चाहते हो तो। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप अभी कभी अपडेट करना नहीं चाहते हो, ऑफिशियल अपडेट को वेट कर रहे हो, तो यहाँ पर 7 से लेकर 10 दिन वेट करो, क्योंकि 7 से लेकर 10 दिनों के अंदर आपके पोको एम टू डिवाइस के अंदर ये जो MIUI 13 के साथ एंड्रॉयड 12 का अपडेट है वो पब्लिक रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। देखो अभी ये अपडेट पब्लिक रोल आउट नहीं हुआ है, थोड़े बहुत यूजर्स को मिला है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि भाई आपका लाइक हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आपकी दोस्त के पास अगर पोको का M2 डिवाइस है तो प्लीज़ भाई ये वीडियो आपके दोस्त के पास शेयर जरूर से कर देना। और भाई यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि फ्यूचर पे पोको M2 डिवाइस के अंदर जो भी अपडेट इंडिया पे Xiaomi रिलीज़ करेगा उसका वीडियो आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो बस यार इतना ही।